आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने एयरपोर्ट थाने के पीछे जनशक्ति नगर कॉलोनी के तमाम अनियमितताओं की शिकायत में दस्तावेज के लोकायुक्त संगठन को की है। अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि सिरपुर के खसरा नंबर 156/1 पर 4.51 एकड़ पर विकसित किए जा रहे जनशक्ति नगर का संपूर्ण मामला लोकायुक्त के साथ गृह मंत्रालय को भी भेज दिया गया है। द्विवेदी ने शुक्रवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लीज शर्तों का उल्लंघन होने पर भी जनशक्ति गृह निर्माण संस्था के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इस मामले में द्विवेदी ने सरकार पर दोहरे आचरण का आरोप लगाते हुए कहा कि विकास प्राधिकरण, गृह निर्माण संस्था हो या नजुल विभाग, सभी शासकीय नियमानुसार 30 वर्षों के लीज पर जमीन देते हैं। लीज लेने वाला व्यक्ति किरायेदार ही होता है और यदि वह कोई संपत्ति का विक्रय कर देता है तो विक्रय पत्र के अनुसार गाइडलाइन के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी लगना चाहिए। जनशक्ति गृह निर्माण संस्था में सीधे सीधे उपपट्टे पर जमीन दी गई। करोड़ों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चुराकर सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई गई। नगर निगम ने भी अवैधानिक रूप से नक्शे स्वीकृत कर दिए। जिन लोगों को प्लॉट उपपट्टे पर दिए गए थे अब उनसे प्लॉट सरेंडर करवाए जा रहे हैं और अन्य लोगों को बेचे जा रहे हैं। द्विवेदी ने कहा कि लीज शर्तों का उल्लंघन करने पर जब रंजीत हनुमान के पास मनी सेंटर को धराशाही कर कब्जा लिया जा सकता है तो फिर इस संस्था को किसका वरद हस्त है। आपको बता दें कि इंदौर कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ कुछ अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर जनशक्ति गृह निर्माण संस्था का निर्माण किया हुआ है। एयरपोर्ट थाने के पीछे इस कॉलोनी में तमाम अनियमितताओं की शिकायत अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी लगातार कर रहे हैं। इस मामले में द्विवेदी ने आम जनता से भी किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं होने की अपील की है। द्विवेदी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि लोकायुक्त की धारा 17A के अनुसार कोई भी शिकायत लोकायुक्त में करने से पहले संबंधित विभागों में भी की जानी चाहिए। हम सभी दूर शिकायत कर चुके हैं, हालांकि अभी तक हमारी शिकायतों को खारिज भी नहीं किया गया है और अनियमितता करने वालों को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। इससे साबित हो जाता है कि सभी आरोप तथ्यों पर आधारित हैं। टेक्निकल मामला है और अनियमितताओं का मामला है, सरकार के दोहरे आचरण का मामला है। इंदौर विकास प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण, चाहे देवास प्राधिकरण हो, उज्जैन विकास प्राधिकरण हो, या हाउसिंग बोर्ड हो, या नजुल विभाग की जमीन हो, जब वो लीज पर देते हैं तो 30 साल की लीज पर देते हैं। यानी लीज का मतलब होता है किराएदारी, और किराएदार व्यक्ति अगर उस प्रॉपर्टी को बेचता है तो ये माना जाता है कि उसने विक्रय किया है, तो उसमें विक्रय पत्र की स्टाम्प ड्यूटी गाइडलाइन के अनुसार लगती है। इसमें सीधे सीधे उपपट्टे पे जमीनें दी गई, यानी करोड़ों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चुराई गई, और करोड़ों रुपए की ये स्टाम्प ड्यूटी जो चुरा करके सरकार के राजस्व को हानि पहुँचाई गई। पश्चात इंदौर नगर पालिक निगम ने किराएदार से के द्वारा रखे गए किराएदार के नाम पे नक्शा पास कर दिया। दूसरा, संस्था को राज्यपाल से अनुमति लेने के बाद किसी अन्य को प्लाट उप पट्टे पे देना था, संस्था ने वो नहीं किया। लीज शर्तों का उल्लंघन करने पर कई सालों बाद मनी सेंटर को धराशाही किया जाता है और कब्जा ले लिया जाता है। कल इंदौर विकास प्राधिकरण के पास एक चिकित्सक के लिए दी गई जमीन ट्रस्ट से वापस ले ली जाती है क्योंकि इसने लीज शर्तों का उल्लंघन किया है। लीज का मतलब होता है किराएदारी, और इस आखिरकार में इतनी अनियमितता होने पर इस संस्था पर किसका वरद हस्त है? तो कौन सी संस्था है ये और कौन लोग हैं? जनशक्ति गृह निर्माण संस्था है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जो कलेक्टर कार्यालय के अंदर विभिन्न विभागों में पदस्थ हैं, उसमें से 8 या 10 लोगों ने इसमें संस्था बनाई है। उनकी कुछ और संस्थाएं भी थी, विवाद ये भी नहीं है कि उन्होंने संस्था बनाई और सदस्यों को भूखंड दे रहे हैं। सवाल ये था कि जो ज़मीन आपको मिली नहीं उसका लेआउट प्लान कैसे मंजूर हुआ? सवाल ये कि आप पर कानून की रखवाली का भार था तो आप कानून से खेल क्यों करते? सवाल नैतिकता का है, और इसलिए एक आम आदमी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज खुलासे कुछ और लोगों के किए जाने थे,
परंतु संस्था की तरफ से कुछ बातें बाजार में आई कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे हैं और हमें हर जगह से क्लीन चिट मिल गई है। तो अभी इस डिपार्टमेंट की तो क्लीन चिट मिली ही नहीं है, अभी कुछ जगह के और दस्तावेज आ गए हैं। इसलिए आम आदमी भ्रमित न हो, क्योंकि इसमें खेल किया जा रहा है कि प्लाट सिलेंडर कराए जा रहे हैं। मैंने जो संस्था के सदस्यों को उपट्टे पे प्लाट दिए गए थे उसको सिलेंडर किया जा रहा है, समर्पित कराया जा रहा है, वो दूसरे आदमी को बेचा जा रहा है। बहुत सारे खेल हो रहे हैं। आपके अनुसार स्पष्ट रूप से कौन कौन इसमें आरोपी है आपके अनुसार? नहीं, मैं आरोपी किसी भी व्यक्ति को नहीं बता सकता जब तक कि कानून नहीं बताए। मैं तो अनियमितताओं की बात कर रहा हूँ और अनियमितता में बहुत सारे लोग दोषी हैं। शासकीय अधिकारियों की मिली भगत से और विभिन्न विभागों की मिली भगत से, और सारे विभाग के अधिकारी इसमें वरिष्ठ अधिकारी हैं। लोकायुक्त में धारा 17A में परिवर्तन हुआ है और उसमें यह कहा गया है कि पहले आपको लोकायुक्त में शिकायत करने के पहले विभिन्न विभागों में शिकायत करना पड़ेगा। हम भिन्न भिन्न विभागों में शिकायत कर चुके हैं, किसी भी विभाग ने उसका उत्तर हमें न तो हमारी शिकायत को खारिज किया है न इन्हें क्लीन चिट दिया है। इससे साबित हो जाता है कि आरोप तथ्यों पर आधारित हैं, प्रमाण कागजों पर लिखे हुए हैं। इसीलिए ये लड़ाई लंबी चलेगी, बहुत लंबी चलेगी।